हेलो प्यारे दोस्तों, ये देखिए प्यारा प्यारा स्विस रोल तो घर की कुछ ही चीजों से मैंने बनाया है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे स्विस रोल, तो जिसके लिए मैंने लिया है ओरियो बिस्किट। तो चलिए सबसे पहले इन बिस्किटों को फाड़ लेते हैं। फाड़ लिया है, उसका क्या करना है, अभी क्रीम हमें निकाल लेना है और सभी बिस्किटों का हमें क्रीम निकाल लेना है। यहाँ पे परी भी निकाल रही है। आप कोई भी बिस्किट अपने मन पसंद का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओरियो का बिस्किट लिया है। नहीं तो परी मेरी हमेशा मदद करते रहती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीस लिया है मैंने। इसी तरह सबको पीस लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ओरियो बिस्किट का पाउडर रेडी है। तो मैंने यहाँ पे लिया है ठंडा दूध, हमें ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा दूध लेना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो मैंने यहाँ पे दो और ये तीन चार पांच चम्मच दूध लिया है। अच्छे से इसे फेंटना है। तो हमें हल्का हल्का दूध डालते रहना है, एक साथ नहीं डालना है। तो ये छोटी कटोरी से दूध मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसे गूंथना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी दूध मैंने डाल दिया था, मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। अच्छा सा इसका डो बना लेना है। अब मैं हाथों से इसे मिक्स करूंगी। रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से ये तैयार हो चुका है। इसे रख देंगे हम साइड में। फ्रेंड्स, ये बिस्किट की जो मलाई है, इसे मैं दूसरे कटोरी में ले रही हूँ और इसे अच्छे से गूंथ लेना है। हमें थोड़ा चम्मच से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, इस क्रीम में मैं हल्का सा दूध डालूंगी ताकि ये थोड़ी ढीली हो जाए दूध डाल के। तो ये फ्रेंड्स देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो इसे रख देते हैं साइड में। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से प्लास्टिक शीट ले लेना है, तो इजीली आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने बिस्किट की लोई प्लास्टिक के शीट पे रख दिया है और अच्छे से फैला। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेलन ले लिया है। बेलन से इसे पतला बेल देना है, चारों तरफ इवनली एकदम बेल देना है पतला। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। तो आप इसे अच्छे बनाएंगे, बहुत इजीली बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसी तरह से बिना बेक किए हुए बहुत ही आसानी से घर की कुछ ही चीजों से ये बन जाता है। तो ये देखिए, तो ये देखिए फट गई है। और ये देखिए हमारा ओरियो बिस्किट का बैटर कितना मस्त चमकीला बना है। कट कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है ये हम अपने बेस पे डालने वाले हैं। इवनली इसे फैला देना है। ये देखिए चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। देखिए फ्रेंड्स, बेस पे मैंने क्रीम फैला दी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है, ये घिसा हुआ नारियल है, तो इसे भी इसके ऊपर अच्छे से फैला दे रही हूँ मैं। तो ये देखिए व्हाइट व्हाइट क्रीम, व्हाइट व्हाइट नारियल कितना मस्त लग रहा है। तो चारों तरफ इसे फैला देना है। ये तो मम्मी मुझे बहुत अच्छा फेवरेट है।
मशरूम इतना अच्छा कैसे बना लेती हो? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे से फैला लिया है, तो ये सज चुका है। तो अब क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है हमें। ये देखिए इस तरह से, तो ये फोल्डिंग टाइम हुए। फिर इसे थोड़ी सी प्लास्टिक ऐसे हटा के फिर अच्छे से फोल्ड करना है। तो ये देखिए कितना झटपट बना है ये, बस सातों ही बातों में ये बन गया है और बच्चों को बहुत पसंद है। तो फेस्टिवल टाइम में आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, घर की कुछ ही चीजों से बस बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको भी बना लेना है। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में एक घंटे के लिए, तब इसे हम कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक घंटे हो चुके हैं और ये कितना टाइट हो गया है, तो इसे अब कट कर लेते हैं। तो ये त्योहारों के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई है। ये देखिए बच्चों को बहुत पसंद आती है, ये देखिए। तो इसी तरह से सभी कट कर ले रही हूं मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये घर के कुछ ही चीजों से ये बन के रेडी हो चुका है और फेस्टिवल में आपका टाइम बहुत बचाएगा। ये शॉपिंग रहता है, रंगोली बनाना रहता है, तो ये बहुत सारा झटपट तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कुछ ही मिनटों में इतनी जबरदस्त मिठाई तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए स्विस रोल, तो आपको मेहमानों के लिए बहुत ही अच्छी मिठाई है, ये बहुत ही पसंद आएगी सबको। ये देखिए फटाफट बन जाती है। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हैप्पी दीपावली। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।